हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमारे पास एक लैपटॉप आया है बनने के लिए और हम देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। सो, मुझे नहीं पता अभी इसकी प्रॉब्लम क्या है और जब मैं इसको देखूंगा तभी मुझे पता चलेगा। अभी तो मैं प्रॉब्लम भी नहीं जानता हूँ कि क्या ख़राबी इसके अंदर। तो बहुत छोटा सा लैपटॉप है, आप मेरा हाथ देखिए, उस लैपटॉप को देखिए, आप पता लगा सकते हैं कितना छोटा लैपटॉप है। ये कोई बड़ा लैपटॉप नहीं, बहुत छोटा सा है। तो हम इसको ऑन करते हैं तो ये ब्लू लाइट जल गई है। और कस्टमर का कहना था कि ऑन नहीं हो रहा है ये, तो आपको किसी तरह की बीप की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। मैं माइक्रोफोन को पास ले जाता हूँ। ओके, तो बीप बंद हो गई अब, लेकिन फिर से आ रही। तो ये अपने आप ही बायोस पे चला गया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, तो ये बायोस के ऑप्शन दे रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसकी बीप से ही मैं समझ गया कि प्रॉब्लम इसके कीबोर्ड में है। इसका कीबोर्ड ख़राब हो चुका है, इस वजह से या तो ये स्टार्ट नहीं हो रहा होगा या ये शट डाउन नहीं हो रहा होगा अगर खुल जाता होगा, या फिर ये ऑन ही नहीं होता होगा। तो हम यहाँ पे SGD का ऑप्शन दे रहा है, तो मैं ज़रा देखता हूँ ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ से तो ऊपर नीचे नहीं हो रहा, यहाँ से देखते हैं। तो ये S और W से ऊपर नीचे हो रहा है, तो चलिए एक बार एंटर दबाते हैं। और विंडोज 7 बन के आया है। तो मुझे लग रहा है ये कीबोर्ड ख़राब है, इसी वजह से कीबोर्ड ही ख़राब होता है जब इस तरह की बीप आती है। ज़्यादातर केसेस में ये कीबोर्ड ख़राब हो चुका है। तो हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम कस्टमर को भी नहीं पता और मुझे तो कस्टमर ने ज़्यादा कुछ बताया भी नहीं, सिर्फ ये कहा कि ऑन नहीं हो रहा है। सो देखते हैं। तो हमने तो उसको ऑन कर दिया है फ़िलहाल, लेकिन कस्टमर का ये कहना था कि ऑन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कीबोर्ड ख़राब है, इसका पासवर्ड अपने आप ही टाइप हो रहा है। तो बीप से ही समझ में आ जाता है कि ये दिक्कत कीबोर्ड की है। पासवर्ड ये देखिए, यहाँ पे डॉट डॉट आपको दिख रहे होंगे। मैं थोड़ा सा फ़ोन को पास ले जाने की कोशिश करता हूँ, आपको ऐसा ही दिख रहा होगा। ये देखिए डॉट अपने आप आ गए हैं, इट मीन्स कि कीबोर्ड ख़राब है, वो अपने आप ही टाइप कर रहा है और वो टाइप करता चला जा रहा है। देख रहे, रुक नहीं रहे, ये डॉट अपने आप आते चले जा रहे हैं। तो अब अगर हम इसको शट डाउन करने की कोशिश करेंगे तो शट डाउन भी नहीं होगा, ये टिका रहेगा जहाँ तक स्क्रीन पर। देखते हैं होता है कि नहीं होता है, हो सकता है कि ये स्क्रीन पर टिका रहे, लेकिन हो गया शट डाउन। ओके, शट डाउन हो गया, फिर से एक बार ऑन करते हैं। ये देखिए बीप, लेकिन इस बार बीप कम आई है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, हम प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम मुझे अभी भी ठीक से समझ में नहीं आई है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस ये प्रॉब्लम कीबोर्ड की वजह से ही आती है। तो हम थोड़ा सा और डायग्नोस कर लेते हैं, ये वीडियो लंबा हो जाएगा शायद, डिपेंड करता है कि इसको सही करने में कितना टाइम लग रहा है। अगर कीबोर्ड ख़राब होगा तो क्या करेंगे, मैं इस लैपटॉप को खोल के डिस्कनेक्ट कर दूँगा कीबोर्ड, और उससे कह दूँगा कि आप एक अलग से कोई कीबोर्ड ख़रीद लें, या आप कीबोर्ड नया लगवाना चाहते हो तो लगवा लें। क्योंकि अगर आप USB कीबोर्ड, अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है और आप ख़राब कीबोर्ड के संग USB कीबोर्ड यूज़ करते हैं, तो ख़राब कीबोर्ड तो लगा ही हुआ है, वो दिक्कत देता रहेगा। तो मैं गेस्ट वाले अकाउंट पे जाता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। इन दो ऑप्शन दिए विथ, इसमें एक गेस्ट भी दिया था।
सो यहाँ पे आ गए हैं और देखते हैं इस पे टैप करके उसके बाद में यहाँ पे ये देखिए अपने आप ही दबता चला जा रहा है। इससे मुझे पता चल गया कि कौन सी की ख़राब है, थोड़ा सा आइडिया मिल गया। यहाँ पे आपको शायद ना दिख रहा हूँ, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। स्टार्ट बटन में जो है अपने आप ही दबता चला जा रहा है। फ़ोन को ज़रा मैं सेट कर लूँ। तो बीच में रिकॉर्डिंग रुक गई थी और आप देख सकते हैं कि फिर से ये रीस्टार्ट हुआ। ये रीस्टार्ट हुआ, इसमें ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का एरर भी आया एक। तो हम एक बार फिर से इस प्रॉब्लम को देखेंगे। विंडोज़ को हम नॉर्मली स्टार्ट करेंगे। गेस्ट को खोलते हैं और देखते हैं कि क्या ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का एरर फिर से आता है। मेरे ख्याल से ये वाली की इसकी ख़राब है, क्योंकि यही बन के आ रहा था स्टार्ट बटन पे। तो ये की इसकी शायद ख़राब है। देखिए अगर मैं स्टार्ट पे जाऊंगा तो वहाँ पे कुछ लिख के आएगा। अगर मैं यहाँ पे ये देखिए लिखता चला जा रहा है। तो बीच बीच में मेरी रिकॉर्डिंग जो है वो पॉज हो जाती है, कभी कोई फ़ोन कर देता है, कभी कुछ हो जाता है। सो मैंने फिर बीच से स्टार्ट किया है ये देखने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि इसमें ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का एरर भी आ रहा है। ये देखिए, ये देखा आपने, दो बार एरर आया तो मैं आपको दिखा नहीं पाया। इस बार आप ये देख लीजिए। तो अब ये फिर से स्टार्ट होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कुछ नहीं देखूँगा, जो देखना था देख लिया। अब इसको हम कर देंगे बंद और खोलेंगे इसको। तो मैंने इसके पीछे के स्क्रू निकाल दिए हैं और बैटरी भी निकाल दी है। और यहाँ पे जो कीबोर्ड है ये जो है, यहाँ पे एक छोटा सा अगर पास में लाऊं तो एक चीज़ आपको दिखेगी यहाँ पे। इसको अगर मैं दबाऊंगा, जैसे कि मैं दबाता हूँ यहाँ पे, मैं आपको शायद मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम सुनाई देगी क्योंकि मैं थोड़ा सा दूर हूँ उस समय माइक्रोफोन से। तो मैंने कीबोर्ड निकाल दिया है, निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और इसे कर दिया है डिसकनेक्ट। सो अब हम क्या करेंगे, इसकी बैटरी को लगा देंगे। और इसमें चार्जर भी लगा देंगे। तो मैं USB कीबोर्ड उठा लेता हूँ ज़रा, अगर कुछ प्रेस करना हुआ तो। मुझे लग नहीं रहा कि अब कुछ दिक्कत होगी। तो देखा आपने, अब कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि डायरेक्ट आ गया, कोई बीप बीप कुछ नहीं आई क्योंकि कीबोर्ड कनेक्ट नहीं था इसमें। मतलब कीबोर्ड कनेक्ट नहीं था इसलिए कोई बीप नहीं आई, कोई एरर नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं आई।
और मुझे लगता है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का एरर भी नहीं आएगा। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आप देख पाए। मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो हो गई है, तो बीच बीच में मेरा जो कैमरा है वो बंद हो रहा है बार बार, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे फ़िक्स करना है अभी। और चार्जिंग से मेरा फ़ोन कनेक्ट है तब भी बीच बीच में जो है आपको जो है बंद होता दिखेगा, तो वीडियो ये टुकड़ों में मिलेगी आपको। अगर कभी भी लैपटॉप में बीप आए, आप समझ जाइए कि आपका कीबोर्ड ख़राब है, समझ जाइए बिल्कुल। सो गाइस, मैंने अपने फ़ोन को थोड़ा सा चार्ज हो लेने दिया ताकि जो है थोड़ी बैटरी चार्ज हो जाए इसकी। एक तो लाइट की भी इतनी दिक्कत हो रही, क्या बताऊँ मैं। और इसमें कीबोर्ड निकालने के बाद बीप सही हो गई, जो बायोस खुल के आ रहा था वो सही हो गया, लेकिन एक चीज़ रह गई है जो है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। अब ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ के लिए सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए। इसमें पासवर्ड लगा हुआ है एडमिन अकाउंट पे, तो मैं अभी कांटेक्ट करके उससे पासवर्ड मांगूंगा इसका, कि आप मुझे पासवर्ड बताएं इसका। तो उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। मैंने इसके स्क्रू पीछे के मुझे लग रहा फालतू में निकाल दिए, अब इसमें हार्डवेयर का कुछ काम बचा नहीं है, तो मैंने पीछे से इसलिए खोल दिया था कि अगर कोई और काम पड़े तो डायरेक्ट खुलता चला जाए, फिर मुझे बाद में ना खोलना पड़े। और बाकी सारे स्क्रू तो यहाँ पर दिए हुए हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगा, जब हमको पासवर्ड मिल जाएगा उसके बाद आगे देखेंगे कि क्या करना है, कैसे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ को फिक्स करना है। वैसे एक तरीका यह भी है कि विंडोज़ को हम दोबारा से रीइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वो काम मुझे नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि बिना हम रीइंस्टॉल किए इसको फिक्स कर पाएँ, तो देखते हैं आगे। ऑलराइट गाइस, तो हमने जो है इसकी जो बीप वाली प्रॉब्लम थी वो सही कर दी। अब ये बायोस पे नहीं जा रहा है, अब ये और कोई दिक्कत नहीं दे रहा, लेकिन इसके अंदर मैलवेयर वगैरह अभी भी हैं, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम अभी भी हैं, क्योंकि जैसा कि आपने देखा था ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का एरर आ रहा था। हालांकि इस पे अभी जब मैंने इसके एडमिन अकाउंट पे खोला तो नहीं आ रहा है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल जो है माउस फ्रीज़ हो चुका है। तो जो जो सब्जेक्ट था इस वीडियो का, उतनी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है। अभी मैं आगे और इस लैपटॉप के ऊपर वीडियो बनाऊँगा जहाँ पर हम इसको मैलवेयर वायरस से भी मुक्त करेंगे। तो ये जो बीप वाली जो प्रॉब्लम थी वो तो क्लियर हो गई यहाँ पे। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मन करे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।